नमस्कार साथियों, थू न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी जगत में एक अलग ही पहचान बनाने वाले राजस्थान के कलाकार पंकज शर्मा के बारे में, जिन्हें आपने सोना बाबू के साथ देखा होगा। पंकज शर्मा का जन्म 16 दिसंबर 1995 में राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ। पंकज शर्मा का जीवन बहुत ही कठिन बीता, उनको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हम उसी पंकज शर्मा की लाइफ स्टाइल आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपने अभी तक थू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंकज शर्मा के पिताजी का नाम बाल किशन है, जो कि पैसे से एक अध्यापक है। साथियों, हम बात करें अगर माताजी, तो माताजी का नाम है अनीता शर्मा, जो कि एक हाउसवाइफ है। उनके दो भाई भी है जिनका नाम ललित और कुशाल शर्मा है। बचपन में पंकज शर्मा के घर वाले इनको प्यार से सोनी भी कहते थे। पंकज शर्मा जीवन परिचय बहुत ही रोचक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पंकज शर्मा का मूल रूप से स्थान भरतपुर राजस्थान से है। पंकज शर्मा के पापा एक अध्यापक है जो कि जोधपुर में एक स्कूल चलाते हैं, इसी कारण ये जन्म से ही यहाँ रहते हैं। पंकज शर्मा का बचपन भी जोधपुर में ही बीता। साथियों, बात करें पंकज शर्मा के एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जोधपुर के स्कूल होलेस पेंट से पूरी की है। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई इसी स्कूल से की। इसके बाद पंकज शर्मा साइंस की पढ़ाई एस्त्रिया कॉलेज जोधपुर से की है। पंकज शर्मा ने जब कॉमेडी करना शुरू किया तब इनके टीचर कहते थे पहले पढ़ाई कर ले बेटा, यूट्यूब और कॉमेडी वीडियो बाद में देख लेना। लेकिन फिर भी पंकज शर्मा पढ़ाई के साथ साथ कॉमेडी भी जारी रखे। पंकज शर्मा ने अपनी रुचि अनुरूप काम किया, इसी कारण से आज पंकज शर्मा राजस्थान में कॉमेडी की बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने खुद भी अपना स्टूडियो खोल लिया है जिसका नाम है शर्मा फिल्म स्टूडियो। इस शर्मा फिल्म स्टूडियो में खुद के साथ साथ अन्य कई कलाकारों के जीवन यापन होते हैं। हम बता दें कि शर्मा फिल्म स्टूडियो में बड़े बड़े कलाकार अपना कला करते दिखाते हैं। छोटे से बच्चे सोनी से पंकज शर्मा तक बनने का सफर। और अगर आपको पीआरजी फिल्म स्टूडियो में प्रिया गुप्ता के साथ साथ काम करने का मौका मिले तो आप क्या काम करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।